दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के बीचों बीच बसी एक ऐसी कॉलोनी जिसकी आबादी लगातार बढ़ती गई, लेकिन वहां का जल स्तर निरंतर घटता चला गया और उस आबादी के बीच की जनता ये मांग करने लगी कि यहां पर गंगा जल यानी पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गाजियाबाद की खोड़ा नगर पालिका परिषद की, जो साल 2017 में पहली बार नगर पालिका बनी। लेकिन आज खोड़ा नगर पालिका परिषद की जनता के लिए प्रशासन और सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी सौगात दे दी गई है। मैं जहां पर खड़ा हूं, ये आप स्टेनलेस स्टील का बना हुआ टैंकर देख रहे होंगे, इस पर लिखा है नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर वाटर टैंक कैपेसिटी 6,000 लीटर। यानी कि इसी तरीके के लगभग 70 टैंक मंगाए गए हैं और 70 टैंकों को गंगा जल, जो कि यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है सिद्धार्थ विहार यानी प्रताप विहार के पास, वहां से इन 70 टैंकों को भरा जाएगा और खोड़ा के अंदर 35 वार्ड में एक वार्ड में 2 टैंकर की व्यवस्था कराई जाएगी। सुबह 2 टैंकर और शाम को 2 टैंकर, एक परिवार को लगभग 200 लीटर पानी जो है वो इस गंगा जल वाटर प्लांट की तरफ से, खोड़ा नगर पालिका की तरफ से जनता को दिया जाएगा। अब आप जरा तस्वीरों पर नजर मारिए, जिसको लेकर खुद जनरल वीके सिंह, जो सांसद हैं गाजियाबाद के, विधायक सुनील शर्मा, खुद निवर्तमान चेयरमैन रीना भाटी और डीएम अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता, डीएम राकेश कुमार सिंह और तमाम प्रशासन के अधिकारी आज जिन्होंने इस परियोजना का शुभारंभ किया है और खोड़ा नगर पालिका परिषद को आज यानी कि आज से लगातार 70 टैंकों के द्वारा पीने के पानी की जो सौगात दी गई है, पीने का पानी खोड़ा नगर पालिका के जो जनता रह रही है उनको अब 70 टैंकों के द्वारा 35 वार्ड में 2 टैंकर सुबह और 2 टैंकर शाम को इसी तरीके से गंगा जल की जो सौगात है वो खोड़ा की जनता को आज से दी जाने लगी है। तो देखा आपने किस तरीके से इस परियोजना का उद्घाटन, इसका शुभारंभ खुद जो सांसद हैं जनरल वीके सिंह और विधायक सुनील शर्मा और गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रीना भाटी, निवर्तमान चेयरमैन, अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता, जेई मदन पाल और पूरी नगर पालिका की टीम ने आज खोड़ा को एक बड़ी सौगात दी है, जिस पीने के पानी के लिए खोड़ा की जनता लगातार पैसे खर्च कर रही थी लेकिन वो पीने का पानी शुद्ध भी नहीं मिल रहा था। लेकिन आज से खोड़ा की जनता को गंगा जल वाटर सप्लाई की शुरुआत कर दी गई है और आज से खोड़ा की जनता के लिए 70 टैंकों के द्वारा खोड़ा की जनता की प्यास बुझाने के लिए एक नई शुरुआत की गई है। और ये 70 टैंकर किस तरीके से काम करेंगे मैं आपको बताता चलूं, 35 वार्ड हैं और एक वार्ड में 2 टैंकर को निर्धारित किया गया है, 2 टैंकर के पॉइंट बनाए गए हैं। सुबह 2 टैंकर एक निर्धारित पॉइंट पे खड़े होंगे और शाम को 2 टैंकर एक निर्धारित पॉइंट पे खड़े होंगे, तो जिससे कि खोड़ा की जो जनता है वो लगातार ये मांग कर रही थी कि हमें पीने के पानी के लिए गंगा जल वाटर की सप्लाई की जाए। हालांकि बड़ी समस्याएं हैं, खुद डीएम जो राकेश कुमार सिंह है उन्होंने भी बताया, सांसद वीके सिंह ने भी बताया कि खोड़ा में पानी की पाइपलाइन डालने के लिए प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन ये एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है कि 70 टैंकों के द्वारा खोड़ा की जनता को आज से पानी, पीने के पानी के लिए जो शुरुआत की गई है वो 70 टैंकों के द्वारा आज से शुभारंभ उसका कर दिया गया है। और देखना होगा कि खोड़ा की पानी जनता इस 70 टैंकरों का किस तरीके से लाभ उठाएगी। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा,